आज हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे देखो, शब्द को तोड़कर नए शब्द बनाना, ठीक है। एक बार और पढ़ाया था रमन का, उसी तरीके से आज जो है आपकी मात्रा है, ठीक है। कौन सी मात्रा है? आपकी मात्रा है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? मकान। मकान को तोड़ेंगे तो कौन कौन सा हमें शब्द मिलेगा, वो अक्षर मिलेगा, मा का और न। क्या मिलेगा? मा का और न। और कौन सी मात्रा मिलेगी? बड़ा का, ठीक है। अब बड़ा की मात्रा मिल गई हमको, तीन अक्षर मिल गए, मा का और न, ठीक है। अब देखो हम इससे बनाते जाएंगे अक्षर, जैसे हमारा है मा और का, मा धन का क्या हो जाएगा? मक, ठीक है। उसके बाद मा धनना क्या हो जाएगा? मन। का धनमा क्या हो जाएगा? कम। का धनना क्या हो जाएगा? कन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? ना धन मा क्या हो जाएगा? नम, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? ना धन का क्या हो जाएगा? नक, ठीक है। ना धन क्या हो जाएगा? नक। अब देखो यहाँ पे आते हैं, ये तो हमारा हो गया दो अक्षर, दो अक्षर के, ठीक है। अब दो अक्षर के हो गया जब, तो उसके बाद हम तीन अक्षर लेंगे, मा का और न, ठीक है। मा का और न क्या हो जाएगा? मकन, ठीक है। उसके बाद मा ना कर मना, ठीक है। यहाँ पे का मा न कमन, का नाम कनम, ना मा कर नमक, और ना काम नकम। जब ये वाला इतना पूरा हो गया तब हम क्या करेंगे? अब मात्रा वाला यूज करेंगे। ये क्या था? बिना मात्रा का, ठीक है। अब हम लगाएंगे इसके आगे आ बड़ा की मात्रा। तो जब हम यहाँ पे मक है तो बड़ा की मात्रा लगाएंगे तो माप हो जाएगा, ठीक है, माप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मन है तो मापराग मानता माँ, और न क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा। यहाँ पे कम है तो कापराग मानता का, अम काम हो जाएगा। इसी तरीके से काम कापराग मानता का और न कान, नापराग मानता नाम और माँ नाम, नापराग मानता नाम का ना, और मापराग मानता का न माकन, ठीक है। इसी तरीके से मानक, कपराग मानता काम न कामन, और कपराग मानता नाम है कानम, ठीक है। नापराग मानता नाम है नामक, और नापराग मानता ना काम है नाकम। अब देखो क्या करेंगे, इसी जो हमारा बड़ा की मात्रा का यूज कर रहे थे, जहां मापराग मानता मां लिख रहे थे, वहां कापराग मानता का मात्रा लिखेंगे, ठीक है। मतलब जो पहले शब्द में लगा रहे थे, पहले अक्षर में लगा रहे थे, अब हम क्या करेंगे? दूसरे अक्षर में लगाएंगे, ठीक है। तो मापराग मां और कापराग मानता का क्या हो जाएगा? मका, मका, ठीक है। मां और नापराग मानता ना क्या हो जाएगा? मां और नापराग मानता ना क्या होगा? मना, ठीक है। इसी तरीके से का और मापराग मानता मां क्या होगा? कमा, ठीक है। और का और नापराग मानता ना क्या हो जाएगा? कना। इसी तरीके से ऐसे ना मापराग मानता मां नमा नका, और यहाँ पे आ जाएंगे हम, जब कापराग मानता का की मात्रा लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मकान, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा? मना। उसके बाद आता है तुम्हारा कापराग मानता का मन, क्या हो जाएगा? कामन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कापराग मानता का नाम है कान, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसको ढेर से ढेर शब्द बनाते रहेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों में हमने क्या बड़ा की मात्रा यूज कर लिया, मापराग मानता मा, कापराग मानता का मा का, मापराग मानता मा, नापराग मानता ना माना, ठीक है। ऐसे ही हम दोनों में, दोनों शब्दों दोनों अक्षरों में हमने बढ़िया बड़ा की मात्रा यूज कर लिया, और आप इससे ज्यादा भी वर्ड बना सकते हो, जरूरी नहीं है इसी पे वर्ड खत्म हो जाएगा, और ज्यादा वर्ड बनाओगे, जैसे इसका डबल करते जाओ, मामा काका नाना, ठीक है, फिर माना काना, ऐसे करके लिखते जाओगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये खत्म होने वाला नहीं है, एक लिमिट होगी तब खत्म होगा, ठीक है। तो आ गया कैसे हम नए शब्द को बनाएंगे, पुराने शब्द को तोड़ के, हाँ आगे सब
सबको कि नहीं आया? ठीक है।